दोस्तों, मैं दिनेश पटेल। तो देखते कि कल जो आपको मैंने निफ्टी का रेंज बताया था, हमने बाइंग जोन बताया था आपको कि वे मार्केट में अगर ये रेंज में मार्केट आता है तो बाइंग करना है। लेकिन मार्केट ने यहाँ से सीधा गैप डाउन कर दिया और अपने ये स्टॉप लॉस मतलब सेलिंग जोन में मार्केट चला गया। तो ये अपना एक्चुअल में सेल रेंज रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज कैसे करना है। ओके तो देखो, हमने ये रेंज दिया था आपको कि ये रेंज में हमें बाइंग करना है, लेकिन मार्केट यहाँ से ओपन होते हुए डायरेक्टली 17,627 से लेके 17,574 ये रेंज में ओपन हुआ, मतलब फॉर सेल, सेल जोन में मार्केट ओपन हुआ था हमारा। ओके आप में से बहुत लोगों ने ये बोला था कि जैसे आज सुबह सुबह बात बहुत लोगों का कमेंट भी आया था कि सर मार्केट एसजेक्स निफ्टी का देख के मार्केट नीचे लग रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है हमें वहां पे, वो नीचे भी लग रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर बाइंग जोन में नहीं ओपन होता है तो अपना ये सेलिंग जोन में मार्केट ओपन हुआ, तो सेल जोन में होगा तब भी हम क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। तो आज का हमारा सेलिंग जोन क्या था मार्केट का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 17,627 से लेके 17,574 ये रेंज में हमें शॉर्ट सेल करना था। ये जो रेंज मैंने आपको दिया था उस हिसाब से 615 लगभग वो बीच का पॉइंट था वहां पे, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस सेल में था। देखो यहाँ पे ये आज का है, देखो तो 17,626 किया मार्केट ने, यही सेलिंग जोन है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस नीचे गया, वापिस थोड़ा ऊपर आने की कोशिश किया, 580 तक समथिंग ऊपर आया और वापिस ऐसे नीचे आया। 580 क्या लेवल है आप देख लो, 580 मतलब आप अगर देखेंगे यहाँ पे अपना कैलकुलेशन तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 574 और 5,627 ये रेंज में मार्केट घूमेगा हम बोल रहे थे। तो ये अपना अपर रेंज 627 का था और लोअर रेंज अपना यहाँ पे था 574 का। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया ओपनिंग में, वापिस ऊपर गया, वापिस अपने सेलिंग जोन तक आया, वापिस वहां से नीचे आ गया, दो बार ऐसे हुआ। वापिस एक बार मार्केट अभी दोपहर को भी 2:30 बजे तक ऊपर गया था, 6:31 तक गया था और वहां से वापिस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो ऐसा अपना ये सेलिंग जोन वर्क होता है मार्केट में। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था, आज से मैं क्या करूंगा आपको बाइंग जोन और सेलिंग जोन दोनों आपको दूंगा और जो ट्रेड मिलेगा वो टारगेट में दे दूंगा, तो आपको भी समझने के लिए आसान रहेगा। मैं कोई एक ट्रेड देने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये अच्छा रहेगा क्योंकि कभी कभी ओवरनाइट मार्केट रहता है तो कभी कुछ चेंजेस हो जाए, तो हमें क्या ट्रेड लेना है तो हमारे पास दोनों पोजीशन रहता है। अगर मार्केट बाइंग जोन में ओपन होता है तो हम बाय करेंगे और शॉर्ट सेल के जोन में ओपन होता है तो हम सेल करना होते हैं, तो दोनों ट्रेड दूंगा मैं। ठीक है, तो आज देखा हमने तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेल था, मार्केट यहाँ से लगभग 482 तक आया था और वो चीज जो जो लाइव मार्केट पे हमने काम किया था वो चीज भी मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस हिसाब से मार्केट में काम करना होता है, कि जैसे इंट्राडे का तो आज हमने देखा कि कल का रिकॉर्डिंग में मैंने बोल रहा था वो रेंज, लेकिन वहां पे मार्केट नहीं आ रहा था। तो देखो जैसे ही मार्केट नीचे आ गया तो आज हमने क्या कर दिया कि ये बाय करना था, मार्केट ओपनिंग होने से पहले मैंने बाइंग ट्रेड दे लिया, मार्केट नीचे ओपन हो गया अपने सेलिंग जोन में गया तो शॉर्ट सेल का बोला कि 17,617 से शॉर्ट सेल करो, 739 का टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। तो इस हिसाब से मार्केट कंटिन्यूस नीचे जाने वाला था और उसका टारगेट दिए थे निफ्टी के 502 का, तो वो टारगेट अचीव हुआ है और 431 में अगले टारगेट के लिए मार्केट में वेट करने वाला था, लेकिन मार्केट ने अब ऊपर नीचे मूवमेंट करते करते यहाँ पे 502 से भी नीचे चला गया और वापिस ऊपर गया और वापिस यहाँ पे 3:15 बजे जो रेट मिल रहा है वो रेट में अपना बचा हुआ प्रॉफिट हम वसूल करेंगे। तो ये हिसाब से हमें मार्केट में काम करना है, ये मैंने कल जो बताया था उस हिसाब से हमने बताया। कि बहुत लोगों को ये आप कमेंट भी कर रहे थे कि सर मार्केट नीचे ओपन होगा तो क्या करना है कैसे करना है, तो देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज से कल मार्केट में अगर मार्केट ओपन होता है ऊपर भी ओपन हो जाए तो नीचे भी ओपन हो जाए, दोनों तरीके से हम प्लानिंग करेंगे अभी कि सब यहां से अगर मार्केट ये बाइंग जोन में हमारा जाता है तो कल हमें बाय करना है, और अगर मार्केट यहाँ पे ये सेलिंग जोन है तो उसके नीचे हमें मिलता है कहीं पे भी तो हम शॉर्ट सेल करेंगे। तो दोनों ट्रेड हमारे पास है, इसका कैलकुलेशन मैंने क्या किया आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये जोन कैसे निकलता है मार्केट में, तो हमने जो कैलकुलेशंस करके रखा हुआ है अभी ये कल का कैलकुलेशन है, मतलब आज का डेट मैंने लिया होगा। यहाँ पे देखो आज 12 अप्रैल का मार्केट क्लोज हो चुका है 3:30 बजे, 12 अप्रैल के बाद जब मार्केट क्लोजिंग हो चुका है उसके बाद मैंने ये कैलकुलेशन स्टार्ट किया, और कैलकुलेशन स्टार्ट करने के बाद मेरे पास ये लेवल आज मार्केट में क्या करना ये लेवल आया था कि 17,674 से लेके 722 ये रेंज में हमें बाइंग करना है और 620 से लेके 574 ये रेंज में
शॉर्ट सेल करना है और एग्जैक्टली सेम रेंज मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है। देखो कि 17,664 से लेके आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से लेके यहाँ पे बाय करना है, और सपोज दैट मार्केट अगर नीचे भी ओपन होता है तो 621 से लेके 574 ये रेंज में शॉर्ट सेल करना है। तो यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे और यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट सेल का ट्रेड लेंगे, और उसके लिए नीचे के टारगेट मैंने दे दिया, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा। और वैसे अगर मार्केट गैप अप होता है और हमारा बाइंग जोन के ऊपर जाता है, बाइंग जोन में मार्केट आता है, तो हम यहाँ से बाइंग करना चालू करेंगे और ये टारगेट के लिए बैठना है। तो ये कल का प्लानिंग रहेगा हमारे लिए। आज मार्केट ने अपने बाइंग जोन में नहीं आया, मार्केट नीचे आया था और अच्छा खासा प्रॉफिट आया, और लगभग हम सेल करेंगे तो वहां से 120-130 पॉइंट तक हमें प्रॉफिट मिल रहा था। तो इस सबसे में मार्केट में काम करना होता है। यहाँ पे हम सेल करेंगे तो ये हमारा टारगेट रहेगा, और यहाँ पे अगर हमारा बाय मिलता है तो ये हमारा टारगेट रहेगा। दोनों साइड का हम प्लानिंग करके अभी देखेंगे देखेंगे मार्केट में क्या होता है। ओके तो ठीक है, ऐसे ही आपको प्लानिंग चाहिए, इस हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग्स में आपको भेजते रहूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, मतलब जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो टाइम से मिल जाएगा। ओके और बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। थैंक यू सो मच।